तो नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम बात कर रहे हैं मेष राशि और लग्न के लिए गुरु का जो अगला ट्रांजिट होगा, यानी कुंभ राशि में जो ट्रांजिट होगा, कुछ समय के लिए ही होगा, पूरा एकदम से परमानेंट ट्रांजिट नहीं है। तो गुरु जैसे पहले धनु में जैसे आए थे और फिर मकर में आ गए, फिर मकर से वापस धनु में गए थे, वैसे ही अब मकर से गुरु जा रहे हैं 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को कुंभ राशि में चले जाएंगे और कुंभ से फिर वापस ये मकर में भी आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं 20 जून तक की, क्योंकि 20 जून से गुरु फिर रेट्रो भी हो जाएंगे। तो हम यहाँ जो टाइम पीरियड ले रहे हैं 6 अप्रैल से 20 जून तक का ले रहे हैं, और इस टाइम पीरियड में आपके लिए ये राशि स्थान से या लग्न स्थान से 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो 11वें भाव में आपके कुंभ राशि आती है, और जैसा कि आप इस वीडियो को राशि और लग्न दोनों के अनुसार ही देख सकते हैं, तो हम दोनों के अकॉर्डिंग ही चर्चा करेंगे इसके फलों पर। सबसे पहले आपको यहाँ पर यह देखना होगा कि शनि आपकी कुंडली में कैसी स्थिति में है, साथ ही साथ गुरु की स्थिति तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने इस समय में रखेगी। दूसरा यहाँ पर यह भी है कि गुरु 11वें भाव के गुरु हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए धन संबंधी कार्यों के लिए बहुत अच्छा होगा, और धन की प्राप्ति के लिए इस समय में आपको बहुत अच्छे साधन मिल जाएंगे। धनागमन के साधन आपके पास बहुत होंगे, और कैश के रूप में धन देता है 11वां गुरु है, वो लगभग कैश के रूप में देता है। हालांकि आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन कुल मिलाकर जो धन संबंधी आपके मैटर हैं उनमें बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, तो और भी अच्छा यहाँ पर गुरु रिजल्ट देंगे, और गुरु की स्थिति तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो आप अपनी लगन कुंडली में चेक जरूर कर लीजिए, और जो चंद्र राशि के हिसाब से देख रहे हैं वो अपनी चंद्र राशि वाली जो कुंडली है, यानी जो मून साइन कुंडली आपका मून चार्ट है उसमें देखें। तो देखिए 11वें भाव में गुरु हैं, 11वें भाव के रिजल्ट में वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से इस समय में लोग आपके आसपास के जो लोग हैं सोशल सर्किल में, वो आपको मान सम्मान देंगे और उनसे आपको बहुत अच्छी मदद भी मिलेगी। साथ ही साथ गुरु का 11वें भाव में ट्रांजिट है, तो जिन लोगों के बड़े भाई हैं उनके अपने बड़े भाइयों से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, और आप अगर किसी को अपना बड़ा भाई मानते हैं तो उनके साथ भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे इस समय में रहने की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं 11वें भाव में, तो यहाँ ये देखा गया है कि अचानक जैसे ही गुरु का प्रवेश होगा कुंभ राशि में, वैसे ही आपके लिए धनागमन के कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। साथ ही जो लोग जॉब में हैं तो उनके लिए कुछ ऐसा प्रमोशन जैसा कुछ हो सकता है, या कोई ऐसा चांस आपको मिल सकता है कहीं पर, या जॉब में भी आपके चेंज आ सकता है, क्योंकि शनि इस समय में अपनी खुद की राशि मकर में ट्रांजिट करते रहेंगे, तो शनि का भी इसमें रोल निश्चित रूप से रहेगा। शनि भी इस गोचर को सपोर्ट करेंगे आपकी कुंडली में, तो आप जो अष्टक वर्ग है उसको भी देख लीजिए अपनी कुंडली में, और वहां पर शनि इसको कितने नंबर दे रहे हैं ये भी आपके लिए बहुत मैटर करेगा। कुल मिलाकर ये जो समय आपके लिए रहेगा ये धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही लाभ प्राप्ति में बहुत अच्छा ये सहायक होगा। इसके अलावा आप अगर मार्केटिंग का काम कर रहे हैं या धन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ आप गुरु की दृष्टियों की भी चर्चा कर लेते हैं। गुरु की दृष्टि को अगर सबसे पहले देखा जाए, तो गुरु यहाँ से आपके तृतीय भाव को देखेंगे। तृतीय भाव को देखने से आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, साथ ही साथ पड़ोस से आपको मदद मिलेगी, अपने छोटे भाई बहनों से और पड़ोस से निश्चित रूप से आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। साथ ही आप अगर मीडिया से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ब्लॉगिंग करते हैं या इंटरनेट के माध्यम से कोई भी ऐसा काम करते हैं कम्युनिकेशन का, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट गुरु यहाँ पर देने वाले। साथ ही साथ गुरु तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर होगा, और आप अपनी बात को लोगों के सामने बहुत अच्छे से रख पाएंगे। इस समय में आपको यात्रा करने का शौक बहुत ज़्यादा रहेगा, तो ये समय में आप हालांकि मेहनत जरूर करेंगे और आपको मेहनत से ही सफलता मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि गुरु प्रवेश करते ही आपको सारा रिजल्ट दे देंगे, तो निश्चित रूप से गुरु थोड़े स्लो जरूर हैं, और ये रिजल्ट आपको धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे जैसे ही 6 अप्रैल को गुरु चेंज होते हैं। साथ ही साथ तृतीय भाव को देखने से आपके जो साहस है उसमें हालांकि वृद्धि होगी, लेकिन आप यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहेगा,
साथ ही साथ आप अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपको राइटिंग करनी है, कोई आर्टिकल राइटिंग, या जो राइटर हैं जो पब्लिकेशन चलाते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं गुरु की जो अगली दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव पर इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि। तो यहाँ पर आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट करेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ ये अपनी मित्र राशि को भी देख रहे हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी में वृद्धि होगी। साथ ही आप इस समय में अपना जो मनोरंजन के साधन हैं उनका भी आनंद ले पाएंगे। आप अपनी एजुकेशन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, एजुकेशन से संबंधित कोई भी आपका कार्य है वो इस समय में बनेगा। साथ ही साथ आपके भाग्य से आपको जरूर मदद मिलेगी एजुकेशन में। इसके अलावा आप अपनी संतान के प्रति हमेशा इस समय में बहुत कुछ करने को तैयार रहेंगे और आप अपनी संतान की पूरी पूरी मदद करेंगे। इस समय में आपको संतान से बहुत अच्छी मदद भी मिलेगी। तो ये समय उन जातकों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो निसंतान है, जो दंपति जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उनके लिए ये समय बहुत बेहतर साबित हो सकता है। साथ ही साथ पंचम भाव को गुरु देख रहे हैं, तो आपके नॉलेज में वृद्धि करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, और आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छे से इस समय में काम करेगा। तो ये समय निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बेटर समय कहा जाएगा। साथ ही साथ आप एक मैच्योर थिंकिंग की भांति, जो दिमाग में हमारे एक थिंकिंग होती है वो कई बार हमारे बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं विचार, और वैसी ही थिंकिंग से आप हमेशा आगे बढ़ पाएंगे। तो ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। कुल मिलाकर ये जो 20 जून तक का समय है आपके लिए निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है। अगर आपने गुरु के मकर वाले ट्रांजिट में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त किए हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके लिए तैयार रहना ही होगा। और आप ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन रिजल्ट्स को ले पाते हैं, कितनी मेहनत कर पाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको किसी भी ऐसे कार्य से या किसी भी ऐसे काम से जो जो एनालिटिकल हो उसमें अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कोई मंत्र साधना करते हैं उसमें भी आपको सिद्धि मिल सकती है। साथ ही साथ पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म आपने किए हैं उनकी भी यहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इसके बाद गुरु यहाँ से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि होने से आपके लिए मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट गुरु यहाँ पर करने वाले हैं, और जो जातक अनमैरिड हैं उनके लिए इस समय में मैरिज का योग बन सकता है। साथ ही साथ जो बिजनेस कर रहे हैं उनको बिजनेस से इनकम होगी और जीवन साथी से धन की प्राप्ति होगी। इस समय में अगर आपकी शादी होती है तो आपके ससुराल पक्ष से आपको बहुत बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति और सहयोग मिल सकता है। साथ ही साथ आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपका पूरा सपोर्ट करने वाला, पूरी हेल्प करने वाला होगा। तो ये समय में बहुत अच्छे रिजल्ट गुरु यहाँ से देंगे। साथ ही साथ आपका अगर जनता से, विशेषकर राजनीति में अगर आप हैं तो लोगों से आपका किस प्रकार का संबंध है उसको भी गुरु यहाँ पर प्रभावित करेंगे। तो आप किसी किसी भी प्रकार से आप राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो इन संबंधों में आपके लिए गुरु काफी प्रभावी होंगे यहाँ पर। और गुरु जो कि आपके लिए 12वें भाव के स्वामी हैं आपकी कुंडली में, तो विदेश से भी धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। या ऐसा कहें कि विदेश से जुड़े हुआ कोई भी आप काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस हो या कोई भी काम हो, तो निश्चित रूप से आपको इस समय में धन की वृद्धि देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ देखिए 9th हाउस के स्वामी आपकी कुंडली में गुरु, तो 9th हाउस के स्वामी होने की वजह से आपको भाग्य से साथ मिलेगा इस समय में। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं, जो विशेषकर हायर एजुकेशन में हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि आपको एजुकेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक तो गुरु नवम भाव के आपके स्वामी हैं और वो पंचम को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आपके लिए एजुकेशन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट गुरु यहाँ से देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको अपने एजुकेशन से, अपने ज्ञान से धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही चारों ओर से लोग आपका इस समय में समर्थन करते हुए नजर आएंगे, लोगों से आपको पूरी पूरी मदद मिलेगी। अब डिपेंड करता है आपके खुद के ऊपर कि आप कितना इन रिजल्ट्स को प्राप्त कर पाते हैं, आप इस टाइम को कितना यूटिलाइज कर पाते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा।
तो ये जो गुरु का ट्रांजिट है ये कुछ समय के लिए ही है, आप इसको जितना चाहें यूज कर सकते हैं, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही इस समय में आप गुरु की कुछ रेमेडीज अगर करते हैं तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे आप गुरु कवच का पाठ कर सकते हैं, या फिर केले का जो पौधा है उसकी सेवा कर सकते हैं, गुरुवार का उपवास रखें, साथ ही साथ आप पीले वस्त्रों को धारण करें। इसके अलावा आप चाहें तो एक पीले कलर का रेशमी धागा आप अपना जो राइट हैंड है उसकी कलाई पर बांध सकते हैं। जैसे आप कई बार जो अन्य कलर के धागे भी बांधे रहते हैं, जो मौली बांधते हैं उसकी जगह, तो ये भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। साथ ही आप ओम गो गुरुवे नमः ये मंत्र है, इसका भी जप कर सकते हैं। तो इस समय में आपको और भी अच्छे रिजल्ट गुरु देंगे। और जिनकी गुरु की महादशा चल रही है, या जिनका गुरु 11th हाउस में ही है, लग्न चार्ट में या राशि चार्ट में, उनके लिए इन रिजल्ट्स में और भी ज़्यादा वृद्धि होगी। या फिर गुरु के मित्र ग्रह की भी अगर दशा चल रही है आपको, तो भी गुरु यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देंगे निश्चित रूप से। तो ये ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शुभ आपको रिजल्ट देने वाला हो, यही हमारी मनोकामना आपके लिए रहेगी। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।